हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का अच्छी टिप्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, रात में पेशाब बार बार आता है तो इसका क्या कारण होता है, किस प्रकार से आप इससे छुटकारा पा सकते हैं। रात में ही नहीं, दिन में भी अगर आपको बार बार पेशाब आने की दिक्कत है तो एक बार यह जानकारी आप ज़रूर सुने, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं कि पेशाब बार बार में आता क्यों है। एक कारण तो ये हो सकता है कि आप रात को सोने से पहले, जब भी आप सोने जाते हैं, तो आप कुछ ऐसे पानी या पेय पदार्थ, खासकर चाय, कॉफ़ी या शराब, या फिर ज़्यादा जो तरल पदार्थ है, पेय पदार्थ है, उनका सेवन कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको बार बार पेशाब आने की समस्या हो रही है। इसीलिए जब भी आप रात को सोने से पहले जाएं, सोने के लिए जाएं, तो उससे पहले आप पेशाब कर लें। और दूसरी दिक्कत ये हो सकती है कि आपका जो ब्लैडर है, जिसको हम मूत्राशय बोल सकते हैं, उसमें आपके संक्रमण हो गया है। अगर संक्रमण हो गया है तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। संक्रमण का कारण हो सकता है, संक्रमण की वजह से आपको थोड़ी बहुत पेशाब करते समय जलन हो सकती है और बार बार में पेशाब आ सकता है, जैसे दो चार बूंद पेशाब आया उसके बाद में नहीं आया, इस प्रकार की दिक्कत हो सकती है। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए आप क्या करें कि आप या तो ज़्यादा पानी पिएं। ज़्यादा पानी पिएंगे तो जो आपके मूत्राशय में संक्रमण है, वो संक्रमण पेशाब के रास्ते आपके शरीर से बाहर निकल जाएगा। और एक दो दिन जब आप ज़्यादा पानी पिएंगे तब तो आपको पेशाब बार बार में आएगा, लेकिन उसके बाद में आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा कई लोगों की उम्र है वो 60 की वर्ष की उम्र से ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से भी उनको बार बार पेशाब लगने की दिक्कत है, वो हो सकती है। अगर ये सभी प्रॉब्लम आपको नहीं है तो इसके अलावा आप या तो डिप्रेशन की समस्या के शिकार हैं, या आपकी जो नींद लेने की जो समय है वो नियमित नहीं है, आप समय पर नींद नहीं ले रहे हैं, या फिर आप नींद बिल्कुल नहीं ले रहे हैं, इसकी वजह से भी ये दिक्कत हो जाती है। इसके अलावा जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई रहता है उनको ये दिक्कत हो सकती है, या फिर आप कुछ ऐसी दवाइयों का सेवन कर रहे हैं, कुछ ऐसी दवाई गोली ले रहे हैं आप, जिसकी वजह से आपको ये समस्या हो रही है बार बार पेशाब आने की। और जो महिलाएं हैं उनको ये समस्या ज़्यादा होती है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, जो गर्भवती महिला है उनको तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, उनको अगर बार बार पेशाब आने की इच्छा होती है तो ये नॉर्मल बात है। क्यों? क्योंकि उनके ब्लैडर पर दबाव बढ़ता है, दबाव बढ़ने की वजह से उनको ऐसी इच्छा होती है कि उनको पेशाब लगेगा, बार बार में उनका पेशाब आने की दिक्कत हो सकती है। अगर आप इस दिक्कत से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपके लिए सही यही रहेगा कि आप पहले तो जो मैंने आपको बताया उन चीज़ों में आप बदलाव करके देखें, जैसे कि पेय पदार्थों का सेवन कम करें, या फिर पानी पुनी का सेवन ज़्यादा करके जो संक्रमण अगर आपको लगता है कि मूत्राशय में है तो उसे, उस गंदगी को शरीर से बाहर निकालें। और रात को सोने से पहले आप कभी भी जो कोल्ड ड्रिंक आते हैं, जो कॉफ़ी है, शराब है, चाय है, चॉकलेट है, यहाँ तक कि जो खट्टे फल भी हैं, या फिर ज़्यादा मसालेदार चीज़ें हैं, टमाटर है, चीनी है, कच्चा प्याज है, इनका सेवन आप ना करें, क्योंकि अगर आप इनका सेवन करते हैं तो ये आपको बार बार पेशाब आने की समस्या का कारण हो सकते हैं। तो आप इन चीज़ों को बदलाव करके देखें। फिर भी अगर आपको आराम नहीं मिलता तो आप 5 से 7 तुलसी की पत्तियाँ लें, उनको पीस लें और इसके रस में 2 चम्मच शहद मिलाकर इसे सुबह खाली पेट पी लें, इससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा जो हर घर में मौजूद होता है दही, अगर आप दही का सेवन करते हैं, 1 कटोरी अगर आप दही खा लेते हैं तो भी आप, आपके जो मूत्राशय में संक्रमण है, बार बार पेशाब आने की दिक्कत है, उससे आप छुटकारा पा सकते हैं, ये भी आपके लिए एक अच्छा उपाय रहेगा। फिर भी अगर आपको इन सभी से आराम नहीं मिलता है ये सब करने के बाद भी, और आपको लगता है कि पेशाब करते समय दर्द होता है, पेशाब में खून आता है, पेशाब का रंग भी अजीब सा है, और इसके अलावा आपको प्यास लगती है, भूख आपकी बढ़ गई है, या बुखार भी आपको आती है, ठंड लगती है, उल्टी होती है, पीठ के निचले हिस्से में दर्द होता है, तो आप डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके पेशाब का रंग ज़्यादा पीला है, आपको लगता है कि आपके पेशाब का रंग बदल गया है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप पूरे दिन में कम पानी पीते हैं,
कम पानी पीने की वजह से पेशाब का रंग है वो बदल जाता है। इसीलिए आप ज़्यादा पानी पिए, भरपूर मात्रा में, जितना पानी हमारे शरीर को चाहिए उतना पानी अवश्य पिए। कई बार ऐसा होता है कि हम जब घर से बाहर जाते हैं तो पूरे दिन बाहर मान लीजिए हमने काम किया और शाम को घर लौटे तो हम पूरे दिन में पानी का सेवन नहीं करते, ऐसे में हमारे पेशाब का रंग है वो बदल जाता है। इसीलिए आप ये गलती ना करें। इसके अलावा जब भी आपको पेशाब लगे, आपको ऐसा लगे कि मुझे पेशाब आने वाला है, तो आपको पेशाब करना चाहिए, पेशाब को रोक कर नहीं रखना चाहिए। रोक कर रखने से जो हमारा मूत्राशय है, ब्लेडर है, उस पर दबाव बढ़ता है और जिससे आपको कोई भी परेशानी हो सकती है। इसके अलावा जब आप बड़े हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, तो आपको जोड़ों में और पैरों में, घुटनों में आदि में दर्द की समस्या हो जाती है। इसीलिए आप ये गलती ना करें, जब भी आपको पेशाब आए आप तुरंत पेशाब करने के लिए जाएं, चाहे कितना इम्पोर्टेंट काम हो, जब आपको पेशाब आए आपको पेशाब करना चाहिए। इसको ज़्यादा देर तक रोक कर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे आपके जो ब्लेडर है, मूत्राशय है, उस पर नुकसान हो सकता है, उस पर दबाव बढ़ता है। अगर आपको ये जानकारी काम के लिए गई है तो वीडियो को छोटा सा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।